पहली अंगुली माथे पर, शेष तीन उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नादा नासिका से हो गया, आज्ञा चक्र में मन को टिका लेंगे, इसको धारणा कहते हैं। यही पर ओंकार का ध्यान और उसी में समाहित होना समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञा, लोक, ये क्रम है ध्यान का। कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नादा नासिका से, आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में प्रभु के, भगवान के विश्वमय विश्वातीत स्वरूप का अनुभव करते हुए ओंकार ब्रह्म का ध्यान। ओंकार ध्यान, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों पर, लंबा गहरा श्वास भरते हुए पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए करेंगे।
मौन हो जाते हैं, श्वासों के साथ ओंकार का ध्यान करते हैं। ध्यान का पहला चरण है श्वासों के साथ मन को टिकाना। जितने श्वासों की गति दीर्घ और सूक्ष्म होगी उतना ही मन शांत रहे। हर श्वास के साथ फिर ओम ओम का ध्यान करें। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप अजर अमर नित्य विनाशी परम दयालु परम कृपालु परम सखा परम पिता परम गुरु परम माता जगन माता सबका कर्ता विधाता सबका आश्रयदाता जो प्रतिपल हम सब पर अनुग्रह कर रहा है पिता परमेश्वर उनका प्रभु आपकी भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञा लोक पूर्वक भगवान के विश्वमय विश्वातीत स्वरूप को अनुभव करते हैं। नासिकाग्र पर आचा चक्र या हृदय चक्र में मन को टिका कर हृदय चक्र से या आचा चक्र से पूरे सृष्टि चक्र में भगवान ही के विश्वमय विश्वातीत स्वरूप को अनुभव करते हुए जो कुछ दिख रहा है भगवान का विश्वमय स्वरूप है और उसे दृष्ट के पीछे वही अदृष्ट इस व्यक्त के पीछे वही अव्यक्त है प्रत्यक्ष के पीछे वही परोक्ष मूर्त के पीछे वही अमूर्त है ज्ञात के पीछे वही अज्ञात है। इस प्रकार से भगवान के विश्वमय और विश्वातीत स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवान ही को पिंड में ब्रह्मांड में सर्वत्र अनुभव करते हुए उसी के साथ एकाकार होना ये ओंकार ध्यान। ऐसे लगभग 5 मिनट का ध्यान अवश्य करना पड़ता है।